हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज डेट है 14, अभी होने वाली है और 13 की नाइट है। ये 13 की नाइट है और अभी बज रही है 11:53। 14 बस आने वाली हो चुकी है, बर्थडे भी स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि प्रिपरेशन कैसे की वो तो मैं नहीं बता पाई, पर मैंने कैसा डेकोरेशन किया है वो मैं बता दूँगी आपको। देखिए यहाँ पर मैंने ये कुछ बलून्स लगाए हैं एंड ये चिकू के गिफ्ट, जैसे कि आपको पता है कि मैं उनके साथ क्या करने वाली हूँ। और ये है केक जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। और ये मैंने कुछ प्रिपरेशन की है, चिकू को बैठा है दूसरे कमरे में, तो थोड़ी देर के बाद चिकू को लेके आती हूँ। मेरा ऑलमोस्ट काम डन हो गया। हाँ, स्मैश बॉक्स यहाँ पे है नहीं तो वो भी मैं ले लेती हूँ। और चलिए, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ चिकू के बर्थडे के लिए। तो ये करी है कुछ इस टाइप से प्रिपरेशन, आप देख लीजिए। बहुत ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाई, पर कुछ जो भी कर पाई हूँ आई होप चिकू को अच्छा लगे कुछ टाइम में, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला इसलिए। तो जल्दी से उनका बुला लेती हूँ, बस टाइम होने वाला है, 5 मिनट्स मोर बाकी हैं। तो मैं रख देती हूँ कैमरा साइड में और चिकू को लाने की तैयारी करती हूँ। जैसे कि अभी हो रही है 11:57, तो ले आती हूँ चिकू को रूम में। जैसे ही लाऊंगी विश करूँगी, टाइम तो वैसे ही हो जाएगा केक कट करने का, तो चलिए उनको लेके आते हैं रूम में। जैसे कि अभी चिकू के लिए आई हूँ रूम में और अब होने वाला है टाइम। सो Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to me John, happy birthday to you. आपका तो बहुत लंबा टाइम तक चला। निकाल दो। हाँ। कट करा जाएगा। Happy birthday to you, happy birthday to you। मैं अंदर कुछ है नहीं, आजकल क्या मोबाइल वगैरह भी डाल के देते केक के अंदर। अच्छा, तुम कौन सा एक्सपेक्ट कर रहे हो, फ्लिप वाला? आज है चीट डे, इसलिए चॉकलेट केक खाया जाएगा बड़ी ही शिद्दत के साथ, सबसे फर्स्ट अपने व्यूअर्स को। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप सब जने खा लो। आप सब जनों के लिए केक मेरी तरफ से। हाँ। और ये मेरे प्यारे प्यारे मेरे बेबी के लिए, हैप्पी बर्थडे बिट्टू। थैंक यू। बिगाड़ेंगे नहीं है ना, क्योंकि केक बहुत ज्यादा टेस्टी है, इसलिए वेस्टेज नहीं करेंगे, डिसेंट बर्थडे मनाएंगे, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। पहले हम करते थे मस्तियाँ केक वाली, बहुत ज्यादा सिर में केक भर देते थे। चलो, पर थोड़ा सा तो बनता है नौजू पर। ओके, चलो अब आता है गिफ्ट का टाइम, तो हैंड वॉश करके आती हूँ मैं। आप भी कर लो हैंड वॉश, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी हैंड वॉश करने की। ये आपके लिए केक है, ठीक है, मजा आ गया। चलिए रेडी हो जाइए चिकू के बर्थडे गिफ्ट के लिए। जैसे कि आप सबको तो पता ही है क्या है गिफ्ट के अंदर, आप एक्साइटेड हो? सबसे पहले क्या चाहिए, दोनों बड़ा चाहिए छोटा चाहिए? चलो छोटा मैं ही दे रही हूँ ना, तो मैं मेरी मर्जी से दूंगी, ठीक है? तो ये तो शायद आपने गेस भी कर लिया होगा क्या है। ये डाउटफुल लग रहा है मुझे।
अंदर पत्थर डाल के दिया है मैंने। लो मैं अभी यहाँ से करती हूँ, अनबॉक्स किया जाए आपके गिफ्ट को। खोलू? बिल्कुल। गेस करो या फिर खोल दू? फर्स्ट गेस। मैं परफ्यूम लग रहा है। चलो खोलो। नाम कौन सा है वो भी बता सकते हो? बताओ। बताओ बताओ बताओ। मैं इतने टाइम से सोच रहा था वही है। कंफर्म 100%। खोल के देखो। हाँ चलो ठीक है, ऑडियंस को बताओ, पता तो चले। हालांकि ऑडियंस को तो पता ही है वही है। My dream perfume. Oh, yes! Wow! Luxurious. जैसे कि बर्थडे तो सेलिब्रेट हो गया है, अब हो रही है गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। तो फर्स्ट गिफ्ट तो ये खुल रहा है। हाँ खोलो ना यार। खुशी कैसी है? खुशी? हाँ मेरे क्या मुंह पे नहीं आती खुशी, जो भी अंदर ही रहती। एक्सप्रेसिव नहीं हो? वाओ गोल्ड में आ गए। खोलते ही खुशबू आ रही। वुड डिजायर मेरा नया कलेक्शन। दो ही तो शौक है, फोन के और परफ्यूम्स के। लगाओ लगाओ लगाओ। वेस्टेज करने से अभी मतलब नहीं है, अभी एक तो बनता है। क्या वो आ नहीं रहा? आएगा ना अब। आज तो पूरी रात महकोगे। फेवरेट है वुड। अब है आपका नेक्स्ट गिफ्ट। ठीक है तो ये वाला तो मेरे को आइडिया नहीं लग रहा है इसका, कुछ कुछ भी नहीं लग रहा है। चलिए आइडिया लगाइए। फ्रेम वगैरह होगी तो खोलो ना। फ्रेम है तो खोलो। फ्रेम ही? खोलो ना यार। तो भी थोड़ा गैस तो कर दो। अरे यार खोलो ना। खोलो खोलो। डन डन खोलो ना। पैकिंग भी इतनी ध्यान से खोल रहे हो, ये तो पूरा नहीं है, ताजा हो रही है, जैसे कि मेरा गिफ्ट रैप भी संभाल के रखते थे। ये तो डीजे का। तो इतना हल्का क्यों है? तो ये तो ड्रोन है। हल्का क्या है? मैं तो समझ रहा फ्रेम में कुछ है। ये निकल दिए यार, प्रैंक था ये। हाँ मैं देखो ड्रोन तो मंगवा नहीं पाई, तो डब्बा ही मंगवा लिया मैंने। पर ये टेप नहीं है। मजाक कर दिया तूने तो। क्यों खुश हो गए थे एकदम? मैं सही में खुश हो गया था। अरे क्या मैंने कहीं से जुगाड़ किया ये मैविक का डब्बा मिल जाए मुझे। अब मेरा भी एक ही बजट था यार, एक ही बजट था गिफ्ट का। चलो कोई, पर मैंने मैविक का कुछ और खरीदा है। मैविक के लिए मैविक नहीं खरीदा, कुछ और खरीदा। शूज? हाँ तुमको चाहिए था ना नाइकी के शूज जो अपन देख रहे थे ऑनलाइन। एक बार इसको अनबॉक्स करो। इसको खाली है देखकर भी क्या मजाक कर रही, क्या कर रही तू? खाली है नहीं भी। लो फिर तो अब तो जूते तो फाइनली पसंद आ ही जाएंगे। हाँ जूते तो होंगे फाइनल। टेंटरांग प्यूमा भी बेचने लग गए, लग गए मैविक प्यूमा क्या सॉरी नाइकी। जो तुझे ड्रोन ही मंगा दिया है तुमने। यस मजा आ गया, मजा आ गया, खुशी। यानी दोनों चीजें ड्रीम वाली अपने पास आ गई है फाइनली। चालू करो। करो ना चालू। एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करना पड़ेगा तो अभी नहीं होएगा, टाइम लग जाएगा। कल करते हैं इसको। ठीक है कल, जैसे कि हम जाने वाले हैं उदयपुर सेलिब्रेशन करने के लिए।
मैंने दे दिए हैं चिकू को, दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। आपको लग रहा होगा कि इतने ज़्यादा एक्सप्रेस क्यों नहीं करे, ये रियली इनकी फीलिंग्स को यानी कैमरे के सामने मेरे सामने आज तक एक्सप्रेस नहीं किया, क्या कर पाएंगे। चलो खुश तो हो गए काफ़ी, बहुत ज़्यादा खुश, ये इतनी खुशी है यानी बहुत ज़्यादा खुशी है। इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम यानी 14 को जाएंगे उदयपुर और स्टे करेंगे। स्टे करना तो हमने कैंसिल रखा है, कल सिर्फ रखेंगे शॉपिंग का डे। मैं चिकू को शॉपिंग कराऊंगी, चिकू मुझे कराएंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टाइम से लगभग 2 साल से शॉपिंग नहीं की ना चिकू, लॉकडाउन के बाद नहीं करी। 2 साल से हमने कोई शॉपिंग नहीं की। अब जो छोटी मोटी की है वो ज़रूरत की चीज़ें हैं, और मैंने भी ये बस चिकू के बर्थडे के लिए शॉपिंग की थी, और कल और शॉपिंग करवाएंगे इनको। जैसे कि मैंने बोला शूज़, रियली इनको शूज़ चाहिए, और मुझे भी यानी इनको गिफ्ट करने हैं, तो कल इनकी मर्ज़ी से ही लेंगे परफ्यूम में। वो तो तुम्हारी यानी कहते ना एक आइडेंटिटी हो गई है, तुम आसपास हो तो खुशबुएं रहेंगी रहेंगी। तो जैसे कि हमने डिसाइड किया था स्टे करना, वो कैंसिल कर दिया है, मैंने बता दिया कि हम कल ये करेंगे, कल शॉपिंग। तो चलिए अब कल मिलते हैं सुबह सीधे 14 को। 14 स्टार्ट तो हो गई है, पर ये 13 की नाइट ही गिनी जाएगी, तो 14 को मिलते हैं, बाय। हेलो फ्रेंड्स, मेरे लिए गुड मॉर्निंग और आपके लिए तो कंटिन्यू ही है व्लॉग। जैसे कि आज है 14 की मॉर्निंग, तो हम निकल गए हैं उदयपुर के लिए। तो अभी हम रुकेंगे सबसे पहले मंदिर, क्योंकि बर्थडे है चिकू का, तो दर्शन कर लिए जाए भगवान के। तो अभी मंदिर रुकेंगे और फिर डायरेक्ट नॉन स्टॉप हम उदयपुर निकलेंगे। अब शिव जी के दर्शन कर लेते हैं। ये वो वाला मंदिर है जहाँ हम दोनों तो यानी पहले रेगुलर आते थे, पर यहाँ आके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। यानी हम जल्दी जल्दी में भूल गए थे सैनिटाइज़र लेना, तो अभी लेने जा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों तो सैनिटाइज़र के बगैर नहीं निकलते हैं, क्या पता किस वजह से भूल गए। बाकी हमारे परमानेंट पर्स में रहता ही है एक्चुअली, क्या अभी पर्स वगैरह सब चेंज हो गए ना, इसलिए। तो सैनिटाइज़र चिकू लेने जा रहे हैं गाड़ी बाहर खड़ी करके। ये सैनिटाइज़र मैं लेके आ गई और हम लोग निकल चुके हैं। बहुत ज़रूरी है सैनिटाइज़र तो होना, सभी के पास होना ही चाहिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं या फिर बाहर से आ रहे हैं तो भी। तो अब नॉन स्टॉप निकलेंगे, अब कोई रुकावट नहीं। जैसे कि आप टाइम लैप्स में देख ही लिया होगा आपने कि रोड यहाँ का कितना अच्छा हो गया। चलती गाड़ी में मैंने कर लिया है मेकअप, क्योंकि मैं घर से कुछ भी मेकअप करके नहीं आई थी। काजल लगाई है और लिपस्टिक लगाई है, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, और मैंने फाउंडेशन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मास्क ही लगता है तो क्या करें। ठीक है, तो देख लीजिए कितना फास्ट एंड क्विक मेकअप किया है, और रोड भी इतना ज़बरदस्त है। इंजॉय करो आप वापस टाइम लैप्स, अब हम भी करते हैं रोड को इंजॉय, बाय। अभी आ गए हैं हम लोग मेरे हॉस्पिटल बताने के लिए, क्योंकि जो कि मुझे अभी प्रॉब्लम हो रही थी चेस्ट में पेन और पेट में दर्द, तो उसी का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है पहले से। तो उसी डॉक्टर के पास आया, तो बता के आकर फिर आपसे मिलते हैं। हम आए थे यहाँ पर अभी तक कुछ भी मेरा अपॉइंटमेंट है वो कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमको 7 बजे पहुँचना था और हम थोड़े से लेट हो गए सैनिटाइज़र वगैरह सब लेने के चक्कर में, क्योंकि गाड़ी वापस घूमी तो कैसे टाइम हो ही गया। और अभी 1 बजे पता चलेगा कि मेरा अपॉइंटमेंट आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि मुझे बताना ज़रूरी है थोड़ा। लेट्स सी क्या होता है 1 बजे तक। पर अभी मेरी तबीयत एकदम ठीक ही है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पर तो भी मुझे एक बार रूटीन चेकअप की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा था, तो करवा ही लेती हूँ ताकि मन में कोई भी शंका ना बचे। तो 1 बजे तक हम आके वापस से कंफर्म करेंगे कि आ जाएगा कि नहीं आएगा, नहीं तो 3-4 दिन में आ जाएंगे और वापस पता नहीं है एक बार डॉक्टर को। इसलिए चलिए अभी हम जा रहे हैं बिना दीदी के, यहाँ पर मिल के आते हैं बिना दीदी से,
क्योंकि उदयपुर आए हैं तो फिक्स है, मिलना तो है ही हमको, और हमारे पास टाइम भी है अभी, हमारे जो भी यानी प्लान्स हैं वो थोड़ी देर बाद चालू होने वाले हैं, तो इतनी देर हम मिरादी से मिल लेते हैं। गए हम सेलिब्रेशन मॉल में, यहाँ पर करनी है कुछ शॉपिंग, तो अभी करते हैं शॉपिंग। मैं मास्क नहीं उतार सकती इसलिए मुंह नहीं दिखने वाला है आपको, तो चलिए जो जो शॉपिंग करेंगे वो आपको दिखाते हैं। अभी हम आए हैं डोमिनोज, यानी सेलिब्रेशन मॉल के अंदर ही है डोमिनोज, तो हम हमारा अभी लंच कर लेंगे और फिर हम शॉपिंग करेंगे, क्योंकि टाइम हो गया हमारा लंच करने का इसलिए। तो ये रहा, हम पहले ही कर रहे हैं ऑर्डर ताकि अंदर जाके हमको वेट नहीं करना पड़े। तो व्रत चल रहे हैं। ये है गार्लिक ब्रेड, ये भी है गार्लिक ब्रेड। मैंने क्यों पेमेंट करी थी? हाँ ऑनलाइन ही करो। हाँ ऑनलाइन। ये हमारा पास्ता पिज़्ज़ा। अभी हमने यहाँ पर खाना खा लिया और हमारे फेवरेट पिज़्ज़ा मंगवा के और हमने खा लिए। चिकू को लगभग 6 महीने बाद पिज़्ज़ा खाने मिला, पेट देख सकते हो। बर्थडे था इसलिए माफ़ी, और अब करेंगे शॉपिंग। हाँ ले भेजना। ये यश विश कर रहा है इतना लेट, इसके जिया जी को कितनी बज रही है टाइम बताओ? 1:30 बज रही है। दोपहर की 1:30 बजे याद आ रहा है इन जना को मेरे जिया जी का बर्थडे है, वो भी स्टोरी देख के याद आया। मैंने मेरा न्यू पर्स परचेज किया है, अब उसी के अंदर में मेरा परचेज नहीं किया, मैं से लिया है। हाँ ये वाला पर्स मुझे चिकू ने दिलाया है और चिकू को मैंने दिलाया है, ये भी बोल देती हूँ। अब मेरा जो भी स्टफ है वो मैं इसके अंदर फिल कर रही हूँ ताकि इसका यूज़ हो जाए आज के दिन। अभी हम लोग निकल रहे हैं मॉल से, हमारी हो गई है शॉपिंग। एक्चुअली क्या, मैं कुछ बहुत थोड़ा बहुत शूट कर पाई क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं था, कितनी जगह पर कैमरा देके बोले कि अलाउ नहीं इसलिए, पर थोड़ा बहुत जो भी शूट किया है वो मैं दिखा दूँगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर कुछ काम से, तो चलिए दिखाती हूँ आपको हम किस काम से जा रहे हैं। बाकी हम चिकुने और मैंने एक दूसरे के लिए पर्स लिए हैं, कपड़ों की शॉपिंग तो हम नहीं कर पाए क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था इसलिए, और साइज़ भी नहीं मिल रही थी और ऑफ में था, तो ऑफ में यानी साइज़ ही नहीं थी ऑफ में कुल मिला के। और हम आ गए हमारी कार की पार्किंग के पास, तो कार ढूंढ रहे हैं क्योंकि लिफ्ट थी फुल, तो हमने सोचा सीढ़ियों से ही आ जाते, तो सीढ़ियों से आ गए और वो है अपनी कार। तो वही चे अभी हम लोग लेने आए हैं हमारी शादी के फ़ोटोग्राफ्स। हमारी शादी को हो चुके हैं 4 साल और अभी तक हमारी शादी के फ़ोटोग्राफ्स नहीं आए हैं, तो वही लेने के लिए आए हैं। ये स्टूडियो है यहाँ पर और लेने के लिए आए, देखते हैं अगर आज मिल पाते हैं तो, क्योंकि कब से ही मशक्कत कर रहे हैं इसके लिए, अगर मिल जाए तो बढ़िया है। हम आ गए हैं घर पर और चिकू भी अभी इनका हैंडबैग सेट कर रहे हैं पूरा अभी के अभी। अभी हम लोग दीदी के यहाँ से निकल गए हैं और अभी हम जा रहे हैं FS, और अभी बज रही हैं शाम की 6:30 क्योंकि वहाँ का व्यू रहता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, तो वहाँ का व्यू तो आपको हम दिखाएंगे, वहाँ तो कोई रोक टोक नहीं करेगा एटलीस्ट। तो चलिए चलते हैं, और बहुत टाइम बाद जा रहे हैं, थोड़ी एक्साइटेड भी हैं क्योंकि हम वहाँ पर पहले अक्सर जाया करते थे, और ऐसे तो मुझे एक भी पिंपल नहीं आता है आप देख सकते हो, पर जैसे कुछ भी स्पेशल टाइम होता है ना वैसे मुझे पिंपल आ गए। अब देखो यहाँ पर पिंपल्स आ गए हैं, पर कोई बात नहीं, ये हट जाएंगे 2-3 दिन में, मेरी तबीयत शायद ख़राब हो रही थी इसलिए इस वजह से आ गए, हट जाएंगे। काल पे आ गया है और यहाँ नीचे कुछ आ गए।
फतेह सागर हो गया कैंसल और आपने जैसे कि देखा होगा टाइम लैप्स में कितना ज़्यादा ट्रैफिक था, हमको 2 घंटे यानी ट्रैफिक में ही लग गए और हमको जिस होटल में जाना था, अच्छा हुआ एंड टाइम पर हमको पता चला कि उस होटल का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि खाना खाने के लिए एक्चुअली हम आए हैं और खाना अच्छा ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो अभी हम आए हैं चुंडा पैलेस और ये होटल इतनी ज़्यादा अच्छी है, आप इसकी पार्किंग ही देख सकते हो, बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का। तो अभी हम यहाँ करेंगे डिनर, आपको बताती हूँ मैं अंदर से, तो एक बार हो जाए गाड़ी पार्क और फिर मैं बताऊंगी। अभी हम आ गए हैं होटल में और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होटल है। एक्चुअली क्या लास्ट टाइम पे हमारा होटल में आना फाइनलाइज हुआ, तो इस होटल में आना फाइनलाइज हुआ इसलिए हमने पहले से कुछ भी बुक करके नहीं रखा था, तो सो हमको जो यानी हमारा टेबल चाहिए था वो नहीं मिला, पर कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। और काफ़ी अच्छा व्यू आप खुद देख सकते हो और बहुत ही प्यारा यानी लोकेशन है, बहुत ही अच्छा है। चलो इसका हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय करो, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त सा माहौल है यहाँ पर, बर्थडे सेलिब्रेशन बराबर हो रहा है। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू चिकू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तीसरा केक काट रहे हो आज दिन में? और क्या काटा? एक तो घर पे और हमारा खाना है वो हो चुका है। अब गाड़ी में जाके आपको कंप्लीट रिव्यू वगैरह देंगे, होटल तो आपने देख ही ली होगी कैसी है, बहुत ही अच्छी थी होटल दिखने वगैरह में, खाना कैसा था वो गाड़ी में जाके बताओ। चिकू अभी हम निकल चुके हैं और आपको मैं होटल के बारे में बता देती हूँ। हम यानी नाम सुन के गए थे चुंडा पैलेस, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है यानी बहुत ज़्यादा फेमस है, कि मैंने सोचा खाना भी बहुत अच्छा होगा। तो चिकू हालांकि ये कोई मेरे तरफ से चिकू के लिए कोई सरप्राइज़ नहीं था, शाम को बहुत अच्छा डिनर करेंगे ऐसा सोचा था, पर इतना यानी क्या कहूँ, इससे अच्छा खाना ढाबों पे मिलता है। ढाबों पे तो हालांकि अच्छा ही मिलता है खाना बड़ी बड़ी होटलों से, पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था खाना, बिल्कुल नाम भी बड़े नहीं दर्शन छोटे वाले। हाँ बिल्कुल, नाम बड़े दर्शन छोटे, एक बार के लिए तो मूड भी चिकू का और मेरा दोनों का ख़राब हो गया था, चिकू का तो बिल्कुल ख़राब हो गया था, क्योंकि मेरा सोचना ऐसा है कि खाना मिल गया तो अपना दिन बढ़िया ही गया है यूं, पर खाना मज़ेदार नहीं था। सुबह तो अच्छा खाना खाया था, चीट डे वेस्ट हो गया मेरा चीट डे एक्चुअल में वेस्ट हो गया, क्योंकि खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, यानी सिर्फ वहाँ की रोटी अच्छी थी, वो भी गेहूँ वाली तंदूरी थी, इसलिए बाकी बिल्कुल भी खाने में मज़ा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, यानी मैं इसको 0 दूंगी मार्क्स, बिल्कुल 0 यानी बिल्कुल 0। ये नहीं ये वाला स्टाफ बहुत अच्छा था, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, उन लोगों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, पर मेन खाना ही तो था, खाना ही अच्छा नहीं था, हम लोगों को देखने थोड़ी गए थे वहाँ पे, कोई डिटेक्शन करने थोड़ी ना गए थे, पर जो चीज़ चाहिए थी वही नहीं मिली हमको, पर नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। पर ज़्यादा खाने के मामले में मैं और चिकू तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल है ही नहीं, जहाँ का खाना हमको पसंद है हम वहीं का खाते हैं, कहीं ऊटपटांग जगह पे घुसते ही नहीं है, क्योंकि अगर खाना अच्छा नहीं मिला तो दिमाग हो जाता है ख़राब, पर
कुल मिला के वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए कुछ भी चीज़। अगर पैसा ले रहे हैं तो काम भी वैसा होना चाहिए किसी भी चीज़ में। अगर होटल में भी खाने का पैसा है तो वैसा खाना होना चाहिए। इधर पैसा था पर खाना कुछ भी नहीं था, खाना कचरा था बिल्कुल। तो अब निकल गए घर पे, बस अब घर जाएंगे। चिकू का बर्थडे अब हो रहा है एंड, और अभी बज गई है 10। तो चलिए, कैसा जा रहा है चिकू बर्थडे, थोड़ा सा बोल दो ना कुछ। खाना में मजा नहीं आया इसलिए अच्छा नहीं था। अरे यार बाकी तो अच्छा ही था ना। बाकी सब बढ़िया। इसके चक्कर में अपन ने फतेह सागर कैंसिल कर दिया। हाँ बिल्कुल, फतेह सागर हम इतने टाइम बाद जाने वाले थे। ट्रैफिक कितना ट्रैफिक। अरे यार ट्रैफिक ने तो यानी दिमाग खराब करके रखे। 2 घंटे तक हम रेगुलर ट्रैफिक में थे। और अभी आ गई हूँ मैं ये घर, और ये खोल रही हूँ मैं डोर का लॉक क्योंकि गाड़ी आ रही है यहाँ पर। तो अड़ाना मत मेरे को, बाय बाय। चलो हम घर पे तो आ चुके हैं, तो इसी के साथ मैं कर देती हूँ यहीं पर व्लॉग का एंड क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। तो अगर ये व्लॉग आज का अच्छा लगा हो अभी तक तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे व्लॉग में। बाय 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 बाय। बहुत थक गए। ये एक पार्सल आया है लोरियल की तरफ से, इसको कल के व्लॉग के लिए रहने देते हैं। ठीक है, बाय।